हेलो गाइस, वेलकम बैक टू BFT फैमिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका वुमेंस का जो इंग्लैंड टूर है, सेकंड ODI की। फर्स्ट ODI हमारा काफ़ी अच्छा गया था, मैंने आपको उसकी पूरी कंप्लीट प्रीव्यू भी दिया था। तो ये गाइस सेकंड ODI होगा शाम 6:30 बजे 15 जुलाई को। ये गाइस जैसा मैंने आपको बताया टूर की डिटेल्स, 3 ODI होने हैं और 3 T20 होने हैं, 6 अलग सिटी हैं, 6 अलग वेन्यू हैं। तो ये वाला जो मैच है गाइस, ये लास्ट मैच जो हुआ था वो था काउंटी ग्राउंड नॉर्थहैम्पटन पे, ये है गाइस काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल पे, यानी लंदन में सॉरी इंग्लैंड में ही एक शहर है दूसरा, उसमें गाइस काउंटी ग्राउंड है जो वहाँ पर ये मैच होने वाला है। काफ़ी सारी हेल्पफुल चीज़ें गाइस इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूँ, टेलीग्राम @BFTPreview सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बात करते हैं गाइस मैच की, तो देखो कम्प्लीट प्रीव्यू है, देखोगे बातें सुनोगे तो आप अच्छे से अच्छी बेस्ट से बेस्ट कॉम्बिनेशन बना के रैंक 1 बहुत ईजिली यहाँ पर ला सकते हो। ज़्यादा कॉम्बिनेशन के चक्कर में पड़ना नहीं, 4-6 टीम बनाना बस आपका काम हो जाएगा। बात करें गाइस लास्ट ODI मैच जो हुआ था इस वेन्यू के ऊपर, तो देखो वैसे तो काफ़ी हुए लेकिन अभी जो 2021 में यानी सबसे रीसेंट हुए 2 मैचेस, उनके में क्या सीन रहा था वो आप लोगों को बताता हूँ। इंग्लैंड वुमेन वर्सेज न्यूजीलैंड वुमेन के बीच में हुआ था मैच, 241 का टारगेट दिया था 10 विकेट के नुकसान पर, 211 पे चेज करने वाली टीम कलेप्स हो गई थी। उसमें गाइस देखो पहली पारी में राइट आर्म मीडियम फास्ट को 5 विकेट मिले थे, वहीं दूसरी पारी में राइट आर्म मीडियम फास्ट को यहाँ पर 4 विकेट मिले थे। तो आप समझ सकते हो कि पेसर्स ही यहाँ पर डोमिनेटिंग थे दोनों पारी में, बाकी के जो विकेट्स थे वो एक विकेट यहाँ पर स्पिनर्स को मिला था। तो कह सकते हैं मोर इम्पैक्ट तो यहाँ पर पेसर्स का ही होने वाला है, विकेट्स अच्छे खासे अच्छा देखने मिलेंगे दोनों ही पारी में। बात करें जो उसके पहले मैच हुआ था इसी 2021 में ही, उसमें देखो 201 का टारगेट दिया था 8 विकेट के नुकसान पर, और चेजिंग यहाँ पर हंस के हुई थी 202, किसने यहाँ पर इंग्लैंड वुमेन ने हंस के चेज किया था, हमारी इंडिया वुमेन्स ने 201 का टारगेट दिया था। तो उस मैच में देखो क्या हुआ था, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 3 विकेट मिले थे पहली पारी में, राइट आर्म मीडियम फास्ट को 2 विकेट मिले थे, वहीं दूसरी पारी में राइट आर्म मीडियम फास्ट को सिर्फ 2 विकेट मिले थे। मुझे आज भी याद है झूलन गोस्वामी को 1 विकेट मिला था जो हमारी लेजेंडरी प्लेयर हैं, और एकता बिष्ट खेल रही थी उस मैच में, उनको 1 विकेट मिला था, और ये पहली पारी में 3 विकेट मिले थे सोफिया क्लिस्टन को, और 2 विकेट मिला था एन्या शुभशोल को, वो भी अच्छी खासी लेजेंडरी प्लेयर हैं इंग्लैंड की, तो ये मुझे याद है। तो ये आप देखना कि यहाँ पर जो है पहली पारी में आपको स्पिनर्स भी इम्पैक्टफुल हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्टफुल आपके लिए रहेंगे वो हैं यहाँ से पेसर्स, राइट आर्म पेसर्स लेफ्ट आर्म पेसर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। बात करें गाइस हेड टू हेड की, ODI जब दोनों साथ में खेलते हैं तो देखो 5 बार इंग्लैंड जीती है और 2 बार साउथ अफ्रीका वुमेन्स जीती हैं। स्कोरिंग का पैटर्न देख लो किस तरीके का होता है, तो यहाँ से देखो 245 का टारगेट दिया था इंग्लैंड ने, 215 पे साउथ अफ्रीका कोलैप्स हो गई थी, फिर इंग्लैंड ने 331 का टारगेट दिया, 262 पे साउथ अफ्रीका कोलैप्स हुई, फिर इंग्लैंड ने 189 का टारगेट दिया, फिर 156 पे कोलैप्स हुई, मतलब चेज अभी तक नहीं कर पाई, लेकिन लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने इनको टारगेट दिया था 218 का, इसी साल इसी सीज़न अभी जो पहला मैच हुआ था 2 दिन पहले 11 तारीख को 218 का टारगेट दिया था 10 विकेट के नुकसान पर, तो इंग्लैंड ने यहाँ पर 219 मतलब चेज उसको कर दिया था 5 विकेट के नुकसान पर। तो ये गाइस पैटर्न है स्कोरिंग का, इसके बेसिस पे भी आप टीम बना सकते हो अपनी। बात करते हैं गाइस स्क्वाड की, तो देखो ये इनका फुल स्क्वाड है जैसा लास्ट वीडियो में बताया था, किसी भी प्लेयर का फॉर्म देखना हो कैसे बॉलिंग कराता है कैसे बैटिंग करता है तो यहाँ से आप देख सकते हो। अभी गाइस न्यूज़ आई थी कल 13 तारीख को कि जो सॉरी साउथ अफ्रीका की टीम है उसने गाइस अपने जो स्क्वाड में 2 प्लेयर्स शामिल किए हुए हैं, मसाबता क्लास राइट आर्म मीडियम है जो कि, और यहाँ से डेलमी टकर राइट आर्म ऑफ ब्रेक है, इनको आपने पिछले महीने आयरलैंड की सीरीज़ में देखा होगा खेलते हुए, हालांकि एक ही मैच में बॉलिंग मिली थी। तो ये राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर है, यंग प्लेयर है, 25 ईयर ओल्ड है अपनी एज की है। तो ये 2 प्लेयर ऐड किए हुए इन्होंने बिकॉज इनको लग रहा है कि बॉलिंग से थोड़ा इनको दिक्कत हो रही है, बिकॉज देखो रन तो अच्छे बना लिए थे यार, 218 नॉट बैड यार। बात करें इंग्लैंड की स्क्वाड की, तो देखो कंप्लीट स्क्वाड ये है, ठीक है, किसी प्लेयर का फॉर्म देखना हो देख लेना, हर वीडियो में तो आपको बताऊंगा नहीं, आपको भी बोरिंग लगेगा। फिर बात करते हैं प्लेइंग 11, अब इसको प्रिडिक्टेड हटा दो, ठीक है, लास्ट मैच में भी प्लेइंग 11 जो था वो प्लेइंग 11 जैसा हो सकता है, यहाँ से देखो इंग्लैंड की तरफ से यही होगा मैक्सिमम
चांसेस है, और इंग्लैंड की जो दिक्कत आ रही थी ओपन किससे कराएं हम, तो वो भी अब दिक्कत सॉल्व हो गई है। MLM ने अपनी जगह बना ली है, और जैसा मैंने देखो आपको लास्ट मैच में बताया था कि हिटर है, ठीक है, स्पेशली बोला था कैप्टन वाइस कैप्टनसी की, तो अभी आप जाके रैंक वन पे जो टीम थी 3.5 लाख जीती थी, आप उसका कैप्टन वाइस कैप्टन देख लो, हिटर है भाई, 101 कुछ बना के दिया था। तो ये इनका प्लेइंग 11 होगा, MLM, टेमी ब्यूमोंट, सोफिया डंकली एज अ बैटर खेल रही है, अच्छी बात है, नटेलिया सीवर, हेदर नाइट, डेनियल वेट, एमी जोन्स, सोफिया क्लिस्टन, कैथरीन ब्रेंट, चार्लो डीन और केट क्रॉस। चार्लो डीन गई लास्ट मैच जरूर विकेटलेस गई थी, लेकिन आप इन पर नज़र रखना, काफ़ी टैलेंटेड बंदी है। बात करें कैसे यहाँ से साउथ अफ्रीका की, तो देखो लॉरा वॉल्पडार्ट ओपनिंग करती है, मेरी फेवरेट प्लेयर है अच्छी खासी, एंड्री स्टीन के साथ, एंड्री स्टीन भी गाइज आपके लिए अब चलो ये सब तो आपको आगे बताऊंगा। लारा गोडोल, सून लूस कैप्टन है इस टीम की, काफ़ी यंग प्लेयर, हाईली टैलेंटेड, साउथ अफ्रीका को लीड कर रही है हर फॉर्मेट में। मरीजाना कप सीनियर प्लेयर, लेजेंडरी प्लेयर, क्लोड आयरन, नेडिन डी क्लर्क, एनिकी बॉश, त्रिशा शेट्टी, खाका यहाँ से, टुमी सेकुकुने और यहाँ से मलाबा, ये दो ऐड हुए हैं जैसा मैंने आपको ऊपर अभी बताया है। लास्ट मैच में क्लोड आयरन ने क्या पारी खेली थी भाई, मज़ा आ गया था देख के। बात करें कहीं यहाँ से इस साल इनका ODI में फॉर्म कैसा है और एक दूसरे के साथ कैसा है। अब गाइस देखो एक बात आपको बताऊं, जिसने पहले ODI की वीडियो देखी है मैं आप लोगों को ये सब बता चुका हूँ, ठीक है, तो और इसी में एक चीज़ सुन लो कि जब मैंने उस वीडियो में आपको ये बताया तो आप ये नहीं सोचना कि सिर्फ स्टेट्स वहाँ पर आपको मिलेंगे, भाई हर प्लेयर का मैंने बोल बोल के आपको बताया अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, वुमेंस क्रिकेट को मैं काफ़ी सालों से फॉलो कर रहा हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हर प्लेयर का स्टेट बताते वक्त उसके बारे में कुछ बातें बताई है, तो आपको ये सारी चीज़ें तो आप वहाँ से जाके देख लेना, इस वीडियो के नीचे चाहो तो मैं लिंक दे दूँगा, अदरवाइज़ ज़्यादा दूर नहीं है, एक दो वीडियो के नीचे ही आपको मिल जाएगी इंग्लैंड वुमेन वर्सेज साउथ अफ्रीका वुमेंस की फर्स्ट ODI की वीडियो, तो उस पर जाके देख लेना भाई, आपके लिए आसान रहेगा। मैं भी आपको अभी इसमें नहीं बता सकता दोबारा पढ़ के, लेकिन एक छोटा सा आपको बता देता हूँ जिससे आप समझ जाओ कि ये जो मैंने स्कोर लिखा है ये है इस साल इन्होंने ODI में कैसा किया है, और जहाँ पर AG लिखा हुआ है, AG मतलब अगेंस्ट, तो ये इंग्लैंड का है, तो यानी ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इन्होंने क्या किया है, ठीक है, यहाँ पर आप अगेंस्ट में देख लेना, ये हेड टू हेड हो गया, और बाकी इनका रीसेंट फॉर्म है ODI में किस तरीके का करती हैं, तो ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया। आप लोग जो भी सीरियस ग्रैंड लीग के प्लेयर हो, जिनको अपने पैसे से प्यार हो, भाई जाके एक बार देख लेना वीडियो को, क्योंकि मैंने हर प्लेयर के साथ उसकी एक क्वालिटी आपको वहाँ पर बताई हुई है, तो ठीक है ये स्टेट आप वहाँ पर देख लोगे। अब यहाँ से गाइस बात करते हैं, देखो साउथ अफ्रीका का भी दिया हुआ है रीसेंट फॉर्म ODI में, जब साथ में खेलते हैं तो कैसा किया है। बात करते हैं दो नए प्लेयर की जो मैंने उस वीडियो में नहीं बताया, तो आपको इन दोनों प्लेयर के बता देता हूँ जो स्क्वाड में शामिल हुए हैं कल अगर ये खेलते हैं तो। मासा बतक लास ने इस साल देखो 2 विकेट निकाले, फिर यहाँ से विकेट लेस गई, फिर 1 विकेट निकाला, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट निकाला, फिर ये 2 विकेट अगेंस्ट इंग्लैंड के अगेंस्ट ही निकाले थे, फिर विकेट लेस, फिर दो विकेट, फिर यहाँ से 2 विकेट इंग्लैंड के अगेंस्ट ही निकाले थे। वहीं बात करें डेलमी टकर की, तो इस साल देखो इन्होंने ODI पहले कभी नहीं खेला है, ठीक है, इस साल खेला था तो एक पहले मैच में, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया मुझे याद था, तो बॉलिंग नहीं करी थी, हम इनको टीम में लिए थे इसी वजह से, टैलेंटेड प्लेयर है। दूसरे मैच में 8 ओवर डाले थे, विकेट लेस गई थी, फिर तीसरे मैच में सिर्फ 3 ओवर डाले थे और 1 विकेट भी निकाला था, तो ये इन सब का फॉर्म है। बाकी प्लेयर्स का जाके प्लीज़ उस वीडियो में देख लेना अगर आप सीरियस ग्रैंडी के प्लेयर हो तो। बात करते हैं इस यहाँ से मेरा टॉप 11 कौन हो सकते हैं, 11-12 मतलब 11-12 प्लेयर्स जो टॉप के हो सकते हैं, उन्हीं को आप अपनी ग्रैंड लीग में कंसिडर करना, ठीक है, उन्हीं को आप स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन कंसिडर करना। अब उनमें से कौन सा बेस्ट होगा ये आपको डिसाइड करना, लेकिन उन्हीं को ग्रैंड लीग में ज़रूर कैप्टन वाइस कैप्टन कंसिडर करना। बात करते हैं यहाँ से प्लेयर्स की, तो यहाँ से आप देखो लॉरा वॉल्पडार्ट गाइस क्वीन ऑफ ड्राइव कवर ड्राइव, आपने इनके बारे में सुना होगा और इनको खेलते हुए भी देखा होगा, तो बंदी अच्छी खासी है, अच्छा खासा कर सकती है, ठीक है, टॉप ऑफ द ऑर्डर ओपन ही करती है, अच्छा खासा रन आपको करके दे सकती है कभी भी। वहीं सोफिया क्लिस्टन इंग्लैंड के अगेंस्ट गाइस जो इनका बेस्ट फिगर है, यानी 6 विकेट इन्होंने निकाले अपनी लाइफ के, वो इंग्लैंड के अगेंस्ट निकाले हैं वर्ल्ड कप जैसे लेवल पर, तो आप समझ सकते हो ये तो इनका घर ही है फिर, ठीक है। मरीजाना कप अभी देखो टेस्ट में अच्छा करके आ रही है, लेजेंडरी प्लेयर है, इनके पास चांसेस अच्छे हैं क्योंकि बैटिंग भी करा लेंगी और बॉलिंग भी करा लेंगी, तो कप ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मरीजाना कप यहाँ से क्रॉसी केट क्रॉस, देखो केट क्रॉस उतनी ज़्यादा विकेट टेकर नहीं है सही बताऊँ तो, लेकिन उतनी ज़्यादा विकेट टेकर नहीं भी नहीं है। अब मैंने ये जो बात बोली है इसका मतलब आप लोग सोचना तो आपको समझ में आएगा कि मिस मत करना इनको, ठीक है। बात करें एंड्री स्टीन, देखो काफ़ी यंग प्लेयर है,
लॉरा वॉलब्रॉट के साथ ही ओपनिंग करती है और पंट हो सकती है भाई। देखो पहले मैच में नहीं रही भले ही, लेकिन पंट हो सकती है। बस देखना यही है कि इनको अपनी जगह बनानी है, जिस तरीके से देखो MLM ने इंग्लैंड की तरफ से अपनी जगह बना ली है भाई टॉप ऑफ द ऑर्डर ओपनिंग में। तो अगर इनको जगह बनानी है तो इनको जो है इंग्लैंड के बॉलर्स को थोड़ा स्मार्टली फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आसान नहीं है इंग्लैंड के बॉलर्स को खेलना। वहीं गई शबनम स्माइल, देखो पहले मैच में तो खेली नहीं और मुझे लग रहा है वो इंजरी जो न्यूज़ आई थी वो सही है, इसी वजह से साउथ अफ्रीका ने अभी दो प्लेयर ऐड किए हैं। तो शबनम स्माइल को अभी के लिए हटा देते हैं, अगर 1% खेले तो भाई हर टीम में एडजस्ट कर लेना, छोड़ना मत। बात करें यहाँ से गाइस लारा गुडॉल की, तो देखो पहले मैच में मैंने इनको दिया था, इसी चक्कर में मैं कैथरीन ब्रंट को नहीं ले पाया था जो कि 3 विकेट लेके गई थी, क्योंकि लारा वो सॉरी हाँ लारा गुडॉल ने गाइस क्या कहा था मैच के पहले कॉन्फ्रेंस में कि वी हैवेंट कम हेयर टू बी द अंडरडॉग्स, यानी हम इस खेल में अंडरडॉग्स नहीं हैं, तो हम भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको देंगे और अच्छी खासी फाइट आपको दिखाएंगे। तो और लारा गुडॉल का जो रीसेंट टच है वो काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो। पहले मैच में ज़रूर 1 पे गई, लेकिन हो सकता है आगे अच्छा करें। तो स्मॉल लीग में अगर आप नहीं चाहते हो तो ग्रैंड लीग में एक आध टीम में कैप्टन वाइस कैप्टनसी ज़रूर दे देना, और रख भी लेना कुछ टीमों में। डैनी वेट गाइज, अगर आप लोगों ने सुना हो इनको इनके बारे में तो बहुत टैलेंटेड बंदी है, बहुत टैलेंटेड जो विद द बैट जो करती हैं ये, अगर अपने दिन पे गई अच्छी अच्छी मतलब समझ लो मैच शुरू होगा मैच ख़त्म होने तक खेलेंगी ये, इस लेवल की प्लेयर है डैनी वेट, ठीक है। और लेकिन अभी कुछ टाइम से मैंने इनकी वो इनिंग्स नहीं देखी है जो मैंने पहले देखी है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहेगी। ग्रैंड लीग में एक आध टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन देना, बाकी कुछ टीमों में रख भी लेना। यहाँ से गई स्टेमी ब्यूमॉन्ट, हेड टू हेड काफ़ी सॉलिड है इनका, लास्ट मैच ये भी 1 पे गई थी, तो अब आप याद रखना कि ये बाउंस बैक ज़रूर करेंगी, ठीक है। वहीं नेट सीवर लेजेंडरी प्लेयर है, देखो लास्ट मैच 3 विकेट निकाले, 54 रन कुछ किए थे, तो नेट सीवर को तो आप वैसे भी नहीं छोड़ोगे, किसी भी टीम में मत छोड़ना नेट सीवर को। ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टनसी देना। डेलमी टकर का इस, देखो जैसा मैंने आपको बताया गेम चेंजर हो सकती है अगर खेलती है तो इनको आप एज अ पंट यूज़ करना अपनी किसी टीम में। MLM का इस लास्ट मैच का ही लिखा हुआ है, ये हिटर है तो देखो काम में आया। MLM कंसिस्टेंटली आपको अच्छा करके दे सकती है, ये बात मैंने नोटिस की है। वहीं गाइस इजी वॉन्ग खेलती हैं, तो एक आपके लिए डिफरेंशियल पिक हो सकती है, स्मॉल लीग में चाहो तो रख लेना, बिकॉज विकेट लेती हैं तो अच्छे खासे लेती हैं। वहीं गाइस चार्लोट डीन का, जैसे मैंने स्टार्टिंग करते हुए प्रीव्यू का आपको बताया, चार्लोट डीन हाईली अंडररेटेड बंदी है, ठीक है, ऑफ स्पिनर है, स्पिनर्स को अच्छा खासा अगर टर्न हुआ तो विकेट ज़्यादा ले सकती हैं। अब गाइस यहाँ से एक चीज़ आपको बताऊं कि लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, बैटिंग ली, पता है क्यों ली? क्योंकि जैसा मैंने नोटिस किया, अब देखो मैं 100% तो सही नहीं बता सकता, मैं टीम का कोच तो हूँ नहीं, लेकिन जो सोफ़ी एक्लिस्टन बंदी है, सोफ़ी एक्लिस्टन इतनी डेंजरस हो जाती है ये सेकेंड इनिंग में कि ये समझ लो 3 से 4 विकेट ले जाती हैं सेकेंड इनिंग में, बैटिंग ही नहीं करने देती हैं। तो इस वजह से हो सकता है, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका ने इसलिए सोचा होगा कि हम पहली पारी में बैटिंग करते हैं तो अच्छा सरफेस रहेगा हमारे लिए और हमारे जो एनर्जी भी हमारी फ्रेश रहेगी, तो हम एक अच्छा टारगेट कुछ दे सकते हैं, तो ये रीज़न हो सकता है। क्योंकि जहाँ तक मैंने नोटिस किया है सोफ़ी एक्लिस्टन सेकेंड इनिंग में काफ़ी डेंजरस हो जाती हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, पहली इनिंग में भी अच्छा खासा कर देती हैं लेकिन सेकेंड इनिंग में और भी ज़्यादा अच्छा करने की क्षमता रखती हैं। तो गाइस आई होप जितना मैंने अभी तक बताया है वो आपके बहुत ज़्यादा काम में है, लेकिन जितना यहाँ पर बोला है वो तो एक अलग बात है, जो फर्स्ट ODI की वीडियो में रीसेंट फॉर्म और आपको रिसेंटली ODI और रिसेंटली हेड टू हेड में कैसा किया है वो ज़रूर सुन लेना, अगर आप एक सीरियस ग्रैंड लीग प्लेयर हो, अगर आपको कल के मैच में श्योर शॉट विनिंग करनी है तो। क्योंकि गाइज ये ऐसे मैच है ना, आपको कुछ प्लेयर्स पे फोकस करना है बस, आपकी ग्रैंड लीग समझ लो रैंक कन्फर्म। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है जो साला 3.5 लाख जीत रहा है वही नीचे के 10,000 15,000 1 लाख वही जीत रहा है सेम टीम, मतलब उसकी हर टीम रैंक कर रही है, तो भाई आप भी अपना लक ट्राई करो, आप क्यों पीछे हटोगे, है ना। आपको तो मैंने सारी नॉलेज यहाँ पर दे दी है, तो भले ही 2-4 लोग मेरी वीडियो देखें, जिसने भी देखी हो ग्रैंड लीग ज़रूर खेलना मेरे भाई, ठीक है, और अच्छा से अच्छा करना। और जो भी रिजल्ट हो उस वीडियो के नीचे एक बार कमेंट करके या टेलीग्राम @BFTFamily के ऊपर मैसेज करके मुझे बताना। फर्स्ट ODI की वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिसेंट स्टैट्स के लिए आपको मैं दे दूंगा, क्योंकि उसमें मैंने बोल के बताया एक एक प्लेयर का, तो वो ज़रूर सुन लेना। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर उसकी लिंक आपको दे दूँगा, तो जाके आप लोग देख लेना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में दूंगा, डिस्क्रिप्शन में नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।